नगर पंचायत पागबड़ा की नई आबादी के क्षेत्रवासियों को इन दिनों काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो शिकायत करने के बाद भी नगर पंचायत पागबड़ा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नजारा पागबड़ा कैलसा रोज की नई आबादी का है, जहां पर सड़क ना बनी होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में इस मुख्य मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी भर जाता है। क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि वर्षा के दिनों में खतरे का आलम यह होता है कि हमेशा मकान गिरने का डर भी लोगों को सताता रहता है। क्षेत्र पार्षद को अपनी पीड़ा सुनाकर थक चुके क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि अब शिकायत करें भी तो किससे करें, कोई सुनने वाला नहीं है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को दिखाई देता है, क्योंकि 4-5 फीट गहरे पानी में किस तरह से निकला जाता है, ये कोई इस इलाके के क्षेत्रवासियों से आकर पूछे। हमारे संवाददाता ने जब पागबड़ा के नई आबादी के क्षेत्रवासियों से बात की तो क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। नगर पंचायत पागबड़ा प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्र पार्षद रोज बहाना बना देते हैं, आखिर जाएं तो कहां जाएं कुछ समझ नहीं आता। परेशानी, पानी में बच्चे निकलते हैं, डूबते हैं, बहुत परेशानी है हमें। कितने दिन से परेशानी बनी हुई है? जब से रह रहे हैं जब से परेशानी है। अच्छा, कभी यहां के जो सभासद हैं या चेयरमैन हैं उनसे कहा गया इस चीज को लेकर? बहुत बार कहा। क्या कहते हैं वो? ये कहते थे करा देंगे, आज तक ना कराया। आप क्या मांग करोगे जिला सरकार से? आप ये पूरे पागबड़े की हो गई, इस गली की हुई नहीं है, तो यही तो होगी कि हमें सुविधा मिले इस गली। जैसे बरसात आने वाली है, बरसात में क्या होता है इधर? बरसात में क्या निकलना पकड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता, खाने लाने का, सब्जी का, हर चीज की परेशानी। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे जी स्कूल जाते ही नहीं, गोद में ले लेके पानी पार कराती। नई बस्ती, कैलसा रोड, नई बस्ती। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, हमारी सड़क नहीं बन पा रही, कई बार प्रधान जी के भी यहाँ चले गए, रोड गड्ढे भर जाए, पानी के मारे ठिकाने नहीं रहते। अब अगले महीने बरसात चालू है, बिल्कुल पानी में निकलते हैं सब, बच्चों को दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। कभी शिकायत की है इसको लेकर के? कई बार चले गए साहब। क्या जवाब मिलता है? वो कहते हैं आ रहे हैं, बस देख लेंगे, सड़क डल जाएगी आपकी। कह रहे थे इस महीने में पड़ जाएगी, इस महीने में भी नहीं पड़ पाई कोई। क्या मांग, क्या सर क्या कहना चाहोगे आप पागबड़ा नगर पंचायत से? हम तो यही कहना चाहेंगे हमारा रास्ता बन जाएगा सर। कितनी लंबाई होगी रास्ते की आपके, और कैसे कैसे लोग कैसे किस तरह से निकलते हो आप यहाँ? यहाँ को सर कभी ईंटे रख लेते हैं, कभी कट्टे भर कर रख लेते हैं मट्टी के। जैसे बरसात होती है तो बरसात में क्या आलम रहता है इधर? यहाँ पानी भर जाता है सर पूरे रास्ते में। बच्चे कैसे जाते हैं निकल के? बच्चे ऐसी पानी में को निकल के जाते हैं। रास्ते की समस्या है, मतलब पानी भरा निकला नहीं जाता, वहाँ से निकला नहीं जाता। जैसे सभासद से शिकायत करते हो तो क्या जवाब मिलता है आपको? सभासद से कही थी, कल भी फोन करा था, बोले आए ना वो। क्या होना चाहिए, आप क्या मानते हैं इसको, क्या होना चाहिए यहाँ? क्या होना चाहिए, काम भी होना चाहिए वहाँ तो, हमें काम किया हुआ था। कितने दिन से परेशानी है आपको ये? काफी टाइम हो गया है सर। किस तरह से निकलते हो बरसात जब होती है तो? बरसात जब होती है तो पानी में कुछ पकड़ के निकलते हैं। क्या मांग करोगे पागबड़ा नगर पंचायत प्रशासन से? मांग के करेंगे हमारा तो गली पड़ जा, रास्ता हो जा। कभी कोई अधिकारी आता देखने के लिए इधर? कोई भी ना आया।